ये देखिए दाल, ये अरहर दाल है, बहुत शानदार दाल है। कुछ सेम रेसिपी इसका। कढ़ाई को गर्म कीजिए, ऑयल डालिए और इसके अंदर बारीक कटी हुई अदरक लहसुन हरी मिर्ची डालिए। उसके बाद में प्याज डालिए, फिर भुने उसको अच्छी तरीके से, फिर हल्दी डालिए, नमक डालिए, फिर भुने, फिर इसके अंदर टमाटर डाल दीजिए। टमाटर को अच्छी तरह पकाइए 5-6 मिनट, और उसके बाद में आप इसमें मसाले डाल सकते हैं। तीखी मिर्ची हो गया, गरम मसाला हो गया, धनिया पाउडर हो गया, उसके बाद में अच्छी तरह तड़का को पकाइए। पकने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के फिर तड़के को अच्छी तरह बनाइए। फिर दाल को अलग कुकर में सीटी मार सकते हैं आप, या इसमें भी वैसे डाल, दूसरे तरीके से भी बना सकते हो, जैसे प्याज टमाटर हरी मिर्च को भून के तड़का बना के उसके अंदर दाल, कच्ची दाल को धो के अच्छी तरह उसमें डाल के भी आप वैसे बना सीटी बना सकते हो, सीटी लगा के बना सकते हो, और या दाल को आप अलग बॉईल कर सकते हो हल्दी नमक और मसाले डाल के, गरम मसाले जैसे थोड़ा सा खड़ा मसाला डाल सकते हो, अच्छी तरह अलग से बॉईल हो जाए उसके बाद में इसमें डालिए, अच्छी तरह मिक्स करिए, और फिर मिक्स करने के बाद दाल उबालिए। ठीक है, दाल बहुत अच्छी बनी है, और इसके अंदर जब तक दाल के इस ऊपर झाग आते हैं, ये झाग तब तक रहेंगे तो दाल अच्छी नहीं बनेगी, और ये झाग तब ख़त्म हो जाएंगे, एक भी झाग नहीं रहेगा दाल में, तब आपकी समझ लेना कि हमारी दाल अच्छी बन गई है। नहीं तो झाग रहेगी तो पानी ऊपर रहेगा, दाल नीचे बैठ जाएगी, अभी आपकी दाल नहीं घुड़ेगी बिल्कुल भी, चाहिए अच्छे 2 घंटे 3 घंटे जितना मर्जी बाहर दे दो, ये हरहर दाल है। थैंक यू गाइस, चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपको कुकिंग के बारे में ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊँगा आगे, हर चीज़ कॉन्टिनेंटल चाइनीज इंग्लिश सारा कुछ बताऊँगा, और आपको थाई खाना बताऊँगा इसके अंदर में, अफगानी हो गया, साउथ इंडियन हो गया, कश्मीरी डिशेज हो गई, आल डिशेज इसके अंदर वीडियो में डालूंगा। अभी धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है वीडियो, और एडिटिंग इतना कुछ कर नहीं रहा हूँ, धीरे धीरे वीडियो का अच्छी एडिटिंग करूंगा, अभी तो नॉर्मल बता रहा हूँ, लेकिन कुकिंग की सारी रेसिपी आल डिशेज सारा कुछ आपको बताऊँगा इसके अंदर। थैंक यू गाइस।